कन्नौज जिले में जीका वायरस का पहला मामला मिलने के पश्चात स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इससे निपटने को लेकर कई इंतजाम किए जा रहे हैं। जिले भर में कुल 150 बेड स्पेशली जीका वायरस मरीजों के लिए तैयार किए गए हैं, जहां पर उनका उपचार किया जाएगा। बताते चले, कन्नौज में जीका वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के लिए यह बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। जिस प्रकार से जिले में डेंगू के मामले बढ़ रहे थे और अचानक जीका वायरस मरीज मिला, जिससे स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूल गए। उन्हें मरीज का घर पर ही इलाज किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि जिले भर में जीका वायरस मरीजों के उपचार हेतु कुल 150 बेड तैयार किए गए हैं, जहां पर उनको भर्ती कर रखा जाएगा, जिसमें कन्नौज जिला अस्पताल में 30, छिबरामऊ में 100, शैया हॉस्पिटल में 30, मेडिकल कॉलेज तिरवा में 50 बेड और 8 ब्लॉक की CSC पर 5-5 बेड जीका वायरस मरीजों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। कन्नौज से शिवम सैनी की रिपोर्ट। देखिए, एक लेटर मेरी तरफ से इशू हुआ है, एक ये हमारा जो कन्नौज में है मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे 50 बेड के लिए हमने कहा है विद नेट मच्छरदानी होनी चाहिए, और हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पे 30 बेड के लिए कहा गया है, और छिबरामऊ जो 100 बेड हॉस्पिटल है वहाँ भी 30 बेड के लिए, बाकी जो हमारे 8 ब्लॉक हैं वहाँ पर 5-5 बेड विथ नेट, ये तैयारी के लिए बोल दिया गया है, लेकिन तो भी ऑर्डर कर दिया गया है।